अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार गोला कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी वे के साथ आपको सिखाए जाएंगे। रेसिपी के जितने भी मसाले हैं वो साथ साथ वीडियो के ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं, आपने उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। सारे मसाले अपनी कॉपी पर आपने नोट कर लेने हैं, और जैसे ही बकरा ईद आएगी तो आपने क्या करना है, फटाफट से ये चटपट और आसान सी रेसिपी जो है वो बना डालनी है, और इसको आपने गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ सर्व करना है। गोला कबाब बनाने की रेसिपी इतनी आसान है और इतने मज़े के बनते हैं कि बस आप जब ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और अगर आपके पास घर में जो है वो कोई सीख गोला कबाब बनाने के लिए नहीं है, तो फिर आप इस तरह का जुगाड़ जो है वो लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी वे से बन जाएगा। किसी भी स्ट्रॉ के साथ या फिर पेंसिल के साथ आप गोला कबाब बना सकते हैं। इसको आप शैलो फ्राई भी करें, इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सारे फ्लेवर्स जो है वो कबाब के अंदर ही रहते हैं, वो ऑयल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाते। आपने इसी तरीके को, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, गोला कबाब के अलावा सीख कबाब की रेसिपी, और इसके अलावा मसालेदार कबाब, पाए, बीफ नहारी और चिकन हलीम और बीफ हलीम की बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बकरा ईद के हवाले से मेरे चैनल पर मौजूद हैं। चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। कबाब जो है वो आपने 15 से 20 मिनट के लिए कुक करने हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर प्याज की लेयर लगानी है, सब्ज़ मिर्ची इसके ऊपर शामिल कर देनी है, उसको आप मज़ीद आपने 1 मिनट के लिए कुक करना है। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने लेमन स्क्वीज़ करना है, और इसके बाद आपने इसको कोयले का धुआं देना है, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है। मज़ेदार से चटखारेदार आपके गोला कबाब रेडी हो जाएंगे। इसको आपने गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।